हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ शाइनी। मैं आपके हर कमेंट्स को पढ़ती हूँ, आपके सजेशंस को मैं पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। काफी सारे कमेंट्स में आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया डीएचटी ब्लॉकर का रिव्यू वीडियो करने के लिए। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ओजीवा डीएचटी ब्लॉकर का रिव्यू। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जान लेते हैं डीएचटी एक्चुअली है क्या। डीएचटी मतलब डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन तो आप सभी को पता है, दैट्स मेल सेक्स हार्मोन। और अगर आपको नहीं पता तो अगर आप बॉडी बिल्डिंग में हैं या फिर अगर आप बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट करते हैं या तो वेट लिफ्टिंग करते हैं, देन आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, सिक्रेशन का लेवल है, वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली डीएचटी सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है। एंड डीएचटी का जो रिसेप्टर है वो आपके स्कैल्प में होता है, तो वो उसी रिसेप्टर से बाइंड करता है एंड वो हेयर फॉल को प्रमोट करता है, बॉल्डनेस को इंक्रीज करता है, मतलब बहुत ज्यादा हेयर फॉल होते हैं। तो अगर आप बॉडी बिल्डिंग या फिर इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो आप शायद नोटिस भी करेंगे कि आपका हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है, जस्ट बिकॉज की डीएचटी ज्यादा मात्रा में सिक्रीशन होता है एंड वो रिसेप्टर से बाइंड करता है एंड हेयर फॉल को वो इंक्रीज करता है। इनफैक्ट वो हेयर फॉलिकल्स को भी धीरे धीरे श्रिंक करता है। सो डीएचटी क्या है वो तो आप सबको पता चल गया। नाउ डीएचटी ब्लॉकर क्या है? एक्चुअली वो डीएचटी का जो काम है, जो फंक्शन है, उसको ब्लॉक कर देता है, मतलब वो बॉल्डनेस या फिर हेयर लॉस को प्रिवेंट करता है। देखिए, हेयर लॉस आजकल बहुत कॉमन है, लेकिन किस रीजन से वो हेयर लॉस हो रहा है वो अगर हम सभी को नहीं पता तो सोल्यूशन ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप जितना भी कुछ करें, अगर जो सही रीजन है वो नहीं पता तो सोल्यूशन नहीं मिलता है। सो देखिए, अभी अगर डीएचटी की वजह से अगर आपके हेयर लॉस हो रहे हैं तो जितनी भी होम रेमेडीज आप फॉलो करेंगे, जितनी भी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करेंगे, शैम्पू चेंज किया, कंडीशनर चेंज किया, कुछ भी असर नहीं होगा जब तक कि ना आप डीएचटी ब्लॉकर इस्तेमाल करेंगे। सो आपको जस्ट वो डीएचटी को ब्लॉक करना है, तो उसी को ही अगर आप नहीं करेंगे तो आप प्याज लगाएं, आप होम रेमेडीज फॉलो करें, कुछ भी करें, वो तो ठीक नहीं होगा। ऊपर से बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे हेयर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन हमें नहीं पता और हर जगह वो सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे आपको नहीं मिलेंगे। तो आई लव दिस ओजीवा डीएचटी ब्लॉकर, क्योंकि इसके अंदर वो सारे बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे बालों के लिए एसेंशियल है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और हेयर फॉल को भी रोकता है। ऊपर से मुझे ये काफी ज्यादा इजी लगता है क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है वो बहुत बिजी है, मुझे होम रेमेडीज वगैरह का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। सोल्यूशन अप्लाई करो, ऑयलिंग करो, इसका भी टाइम नहीं है। दैट्स व्हाई ये जो टैबलेट फॉर्म में आता है, जस्ट मुझे टैबलेट को वाटर से, यू नो, आई जस्ट हैव टू स्वॉलो इट एंड दैट्स इट। इससे ही जो मेरा इफेक्ट है वो मुझे दिख रहा है। सो मुझे ये काफी इजी लगता है एंड स्पेशली आई विल सजेस्ट दिस टू ऑल वर्किंग लेडीज या फिर वर्किंग मेन, क्योंकि मुझे पता है कि मेन दे डोंट इन्वॉल्व इन दीज होम रेमेडीज या फिर आप ऑयलिंग वगैरह, वो तो उतना ज्यादा ध्यान नहीं रखते। तो आपको जस्ट एक टैबलेट लेना है एवरी डे, दैट्स इट। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, दैट्स दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट ओजीवा प्रोडक्ट्स, क्योंकि कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है बिकॉज ये टोटली प्लांट बेस्ड है। सो दैट्स व्हाई मैं इसे कंज्यूम करती हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि मुझे कुछ इफेक्ट हो कुछ भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से। दैट्स व्हाई मैं हमेशा ओजीवा को सिलेक्ट करती हूँ, ओजीवा के प्रोडक्ट्स ट्राई करती हूँ। और आप सबको पता है कि मैं ओजीवा की कितनी बड़ी फैन हूँ, मुझे उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, मैं डेली बेसिस पर यूज भी करती हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे फैमिली मेंबर्स भी उसे कंज्यूम करते हैं। ओजीवा डीएचटी ब्लॉकर में प्लांट एक्सट्रैक्ट्स हैं लाइक स्टिंगिंग नेटल, बीटा सिटोस्टेरोल, पम्पकिन सीड, जो डीएचटी प्रोड्यूसिंग एंजाइम को इनहिबिट करता है और हेयर लॉस को प्रिवेंट करता है। इनफैक्ट हेयर फॉलिकल्स को श्रिंक करने से भी प्रिवेंट करता है और हेयर ग्रोथ साइकिल का जो लेंथ है या ड्यूरेशन है उसको भी इंक्रीज करता है। एंड इसमें ग्लूटेन नहीं है, वीगन है, नॉन जीएमओ एंड कोई एडिटिव्स भी नहीं है। स्टिंगिंग नेटल हेयर फॉलिकल को श्रिंक करने से प्रिवेंट करता है और हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है। पम्पकिन सीड डीएचटी प्रोडक्शन को ब्लॉक करता है। पाइन बार्क में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से वो हेयर लॉस को प्रिवेंट करता है। बीटा सिटोस्टेरोल हेयर रीग्रोथ को प्रमोट करता है। एवरी डे खाने के बाद एक कैप्सूल आप कंज्यूम करें, खाली पेट इसे मत कंज्यूम करें। मेन, वुमेन एंड पीपल अबव द एज ऑफ 18 कैन कंज्यूम दिस। So guys,
that's it for today's video. I hope ये video आप सबको अच्छा लगा. DHT actually क्या है, DHT blockers आपको क्यों इस्तेमाल करना है, सारे doubts आपके clear हो गए हैं. फिर भी मन में कोई भी query है आप नीचे comment box में comment करके मुझे पूछ सकते हैं. Video को like कीजिए, share कीजिए and मेरे channel को subscribe करना ना भूलिएगा. आज के लिए इतना ही. Stay blessed, stay happy. Love you all and bye bye.